हेलो 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 सबको मेरा प्रणाम है गोड़ लगता नहीं हो आवा हो राजा ग्रेविटेशन थ्योरी हम लोग पढ़ रहे थे सर अभी कोई सवाल नहीं सर लास्ट का पांच मिनट हम आपके सवालों के लिए रखेंगे लेकिन अभी भाई मेरा सोना मेरा सिर्फ पढ़ाई करेगा क्योंकि पढ़ाई ही तेरे को मोक्ष के द्वार तक ले जा सकता है यहां तक हम लोग पढ़ लिए थे सर इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ये भी हम लोगों ने पढ़ लिया था यहां तक हम लोग यहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे गुरुत्वाकर्षण को गौर फरमाइएगा देखिए अगर हम गुरुत्वाकर्षण बल की बात करें सर किसकी बात करें गुरुत्वाकर्षण बल की बात करें गौर फरमाइएगा अगर हम गुरुत्वाकर्षण बल की बात करें गुरुत्वाकर्षण बल की बात करें तो गुरुत्वाकर्षण बल ग्रेविटेशनल फोर्स की अगर हम बात करें ये दो अगर कोई द्रव्यमान होगा दो अलग अलग द्रव्यमान होगा ये मान लीजिए एम है और ये मान लीजिए एम है माता सीता की जन्मभूमि शर्मा जी सर नमस्कार कहते हैं ये M1 है और ये M2 है और यहां से यहां तक के बीच की दूरी r है तो सर अगर कोई एक द्रव्यमान होगा तो उसके बीच गुरुत्वाकर्षण बल लगना फिक्स है तय है ठीक है गौर फरमाइएगा अगर कोई द्रव्यमान होगा तो उसके बीच गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं अगर हम गुरुत्वाकर्षण बल की बात करें तो कोई दो द्रव्यमान है तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल लगवे करेगा यह फिक्स है गुरुत्वाकर्षण बल केवल आकर्षण का बल है इसलिए उसमें गुरुत्वाविकर्षण बल नहीं होता है सिर्फ गुरुत्वाकर्षण बल होता है गुरुत्वाकर्षण बल केवल आकर्षण का बल है और अगर दो द्रव्यमान होगा तो उसके बीच गुरुत्वाकर्षण बल लगवे करेगा और यह सबसे कमजोर बल है कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल सबसे कमजोर बल है अगर हम गुरुत्वाकर्षण बल की बात करें सर तो गुरुत्वाकर्षण बल सबसे कमजोर बल है सबसे कमजोर बल है दो द्रव्यमान युक्त वस्तु के बीच गुरुत्वाकर्षण बल का लगना अनिवार्य है अगर कोई दो द्रव्यमान होगा तो उसके बीच गुरुत्वाकर्षण बल का लगना अनिवार्य है फिक्स है लगवे करेगा अगर उसमें द्रव्यमान है तो दूसरा गुरुत्वाकर्षण बल केवल आकर्षण का बल है यह विकर्षण का बल नहीं है गुरुत्वाकर्षण बल जो है यह केवल आकर्षण का बल है अब छोटी जी और बड़ी जी में क्या संबंध है गौर फरमाइएगा केवल गुरुत्वाकर्षण बल केवल आकर्षण का बल है दो द्रव्यमान के बीच एक गुरुत्वाकर्षण बल लगवे करेगा ये फिक्स है दो द्रव्यमान के बीच गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा ये फिक्स है दो द्रव्यमान के बीच गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा ये फिक्स है गौर फरमाइएगा आज भारतीय थल सेना दिवस है ये चैप्टर नहीं है ये चैप्टर प्रोजेक्टाइल पढ़ा रहे थे रे ब प्रोजेक्टाइल समाप्त हो चुका है प्रोजेक्टाइल का अगला अध्याय है ग्रेविटेशन जिसमें हम एक क्लास ले चुके हैं आज दूसरा क्लास है तो जो लोग नहीं क्लास किए हैं कृपया हमें गाली ना दें अगर मान लीजिए ये पृथ्वी है और पृथ्वी का पृथ्वी का द्रव्यमान m है गौर फरमाइएगा अगर ये पृथ्वी है और इसका द्रव्यमान m है इसकी त्रिज्या आर है तो पृथ्वी के सतह पर जो गुरुत्वीय त्वरण का मान होगा अगर मान लीजिए कि पृथ्वी के सतह पर कोई m द्रव्यमान की वस्तु रखी हुई है छोटी एम और ये बड़ी एम है तो पृथ्वी के सतह पर त्वरण का मान जो होता है वो जी बराबर जी एम बटा आर स्क्वायर होता है आप ये नहीं कह फॉर्मूला कहां से आया किसी भी फॉर्मूला के बारे में ये नहीं जानना है सर कि ये फॉर्मूला कहां से आया ये फॉर्मूला होता है यही जानना है फॉर्मूला के बारे में यह कभी नहीं जानना है कि यह फॉर्मूला कहां से आया क्योंकि फॉर्मूला प्रूफिंग पढ़िएगा सर सारा फॉर्मूला एक जगह चैप्टर वाइज लिस्ट बना के दे दिया गया है तो कहते हैं जी बराबर होता है जीएम स्क्वायर जी बराबर जीएम बटा आर स्क्वायर तो जी बराबर अगर जीएम बटा आर स्क्वायर होता है सर ये मान लीजिए कि m है और ये आर है हम ये कह सकते हैं कि गुरुतीय त्वरण इस जी की अगर हम बात करें तो इसको हम कहते हैं गुरुतीय त्वरण इसको हम कहते हैं सर त्वरण और इस g को हम कहते हैं सर सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक गुरुत्वाकर्षण नियतांक सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक और ये जो जी है इसको हम गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं ठीक है देना हेलो 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 कहते हैं सर कि जी बराबर जीएम बटा आर स्क्वायर होता है तो छोटी जी गुरुत्वीय त्वरण और बड़ी जी सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है ठीक है तो गौर फरमाइएगा जनाब हमने कहा कि ये जो गुरुत्वीय त्वरण है कोई बात नहीं अगर जिन अगर वीडियो अपलोड नहीं हुआ है तो सर अभी हो जाएगा तो अगर हम गुरुत्व त्वरण की बात करें सर तो त्वरण का मान जो है बोले तो जी से डिनोट करते हैं और सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक को बड़ी जी से डिनोट करते हैं हम ये कह सकते हैं कि गुरुत्व त्वरण का जो मान है वो पिंड के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता केवल ग्रह के द्रव्यमान और ग्रह की त्रिज्या पर निर्भर करता है आप गौर से देखिए द्रव्यमान है छोटी एम ये जो पिंड का द्रव्यमान है छोटी एम इस पर निर्भर नहीं करता है यह जो पिंड का द्रव्यमान है छोटी एम इस पर निर्भर नहीं करता है यह केवल और केवल बड़ी एम यानी ग्रह का द्रव्यमान और ग्रह की त्रिज्या ये मान लो कोई ग्रह है पृथ्वी ध्यान से देखना हम फिर समझा देते हैं अगर किसी ग्रह का द्रव्यमान एम और त्रिज्या आर हो उस पर रखा हुआ पिंड छोटी एम हो तो उसका गुरुत्वीय त्वरण उस ग्रह के सतह पर जी एम बटार होता है यहां बड़ी एम जो है यह ग्रह का द्रव्यमान है बड़ी आर जो है यह ग्रह की त्रिज्या है आज छोटी एम जो है पिंड का द्रव्यमान है तो हम यह कह सकते हैं गुरुत्वीय त्वरण का जो मान है वह पिंड के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता गुरुत्वीय त्वरण का जो मान है वह पिंड के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता कहते हैं कि छोटी जी और बड़ी जी में संबंध रिलेशनशिप बिटवीन छोटी जी और बड़ी जी अगर पृथ्वी का द्रव्यमान या किसी ग्रह का द्रव्यमान एम हो तथा त्रिज्या आर हो तो गुरुत्वीय त्वरण का जो मान होता है वो जी बराबर जी एम बटा आर स्क्वायर होता है ये एम इस ग्रह का द्रव्यमान है ये आर इस ग्रह की त्रिज्या है तो हम ये कह सकते हैं कि देखो ये छोटी एम जो वस्तु का द्रव्यमान है इस पर निर्भर नहीं करता इसलिए जब निर्वात में किसी दो वस्तु को आप गिराते हैं तो वो एक ही साथ गिर जाता है क्यों क्योंकि वह अगर दो अलग एक मान लो दस के जी का वस्तु हो, हो, हो और एक मान लो बीस के जी का वस्तु हो एक मान लो दस के जी की वस्तु हो और एक मान लो बीस के जी की वस्तु हो तो यह दस के जी और बीस के जी की जो वस्तु होगी दो अलग अलग द्रव्यमान की है इसको जब निर्वात में गिराओगे तो एक साथ गिर जाएगा लेकिन इसमें भी झोल है चला जब हवा में गिराएंगे तो दोनों सर भारी वाला पहले गिरेगा हल्का वाला बाद में जैसे लेकिन लड़का एक के मार के चलाता है यहां तीन बातें हैं अब गौर फरमाइएगा सर स्टाफ लेजी नहीं है ये जो है क्या बोलते हैं उसको आ, न, वो था ना क्या बोलते हैं मकर संक्रांति इसी में इस सब छुट्टी मार के घर भाग जाता है इसीलिए मामला एक आध क्लास फंस गया आपका नहीं अपलोड हुआ लेकिन सर आप लोगों की भी गलती है कृपया लाइव आके क्लास देखें बक्थोथी ना करें लाइव आकर अपने समय पर क्लास नहीं कीजिएगा सर आप कितना देखते हैं रिकॉर्डेड क्लास हम को हमको पता है रिकॉर्डेड क्लास में बीच का दस वीडियो खाली छूट जाए तो आपके पूरे कोर्स की कोई जवाबदेही नहीं लेंगे हम क्योंकि सर किसी को कुछ नहीं समझ में आना है इसलिए सर एक क्लास छूटेगा नहीं समझ में आएगा दस तो छोड़ दो तुम इसलिए क्लासेस रेगुलरली कीजिए ना कीजिए कहते हैं फिर से देखिएगा अगर मान लीजिए कि कोई ग्रह है जिसका द्रव्यमान m है जिसकी त्रिज्या r है और इस ग्रह पर रखा हुआ है कोई छोटी एम द्रव्यमान की वस्तु इस पर जो गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है वह g बराबर जी एम बटा आर स्क्वायर होता है g बराबर जीएम बटा आर स्क्वायर होता है तो ये हम कह सकते हैं कि ये जो m है ये जो एम है और यह जो एम है यह जो आर है यह जो आर है तो किसी भी सतह ग्रह के सतह पर गुरुत्व त्वरण का मान जो है वो उस ग्रह पर रखे हुए वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता केवल ग्रह के द्रव्यमान और त्रिज्या पर निर्भर करता है केवल ग्रह के द्रव्यमान और त्रिज्या पर निर्भर करता है कहते हैं अगर मान लो कि दो अलग अलग द्रव्यमान की वस्तु है किसी भी वस्तु पर सर नीचे की तरफ जो लगने वाला बल होता है वो होता है एम जी डब्लू बराबर एम जी किसी भी वस्तु पर लगने वाला बल होता है ध्यान दीजिएगा डब्लू बराबर एमजी के कारण कोई भी वस्तु नीचे आती है डब्लू बराबर एमजी के कारण कोई भी वस्तु नीचे की ओर आती है नीचे W बराबर एम जी के कारण अगर जी का मान पिंड के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करेगा तो भारी ले लो या हल्का ले लो दोनों भाई साहब साथ में गिरेगा निर्वात में लेकिन अगर क्वेश्चन ने हवा कह दिया तो बताओ एगो कागज ले लो एगो लोहा ले लो दोनों को गिरा दोगे तो कागज बाद में गिरेगा लोहा पहले गिर जाएगा अगर क्वेश्चन ने हवा का जिक्र किया तो कहेंगे भारी वाला पहले गिरेगा हल्का वाला बाद में अगर क्वेश्चन ने कुछ नहीं बोला तो समझ लो निर्वात है दोनों को साथ साथ गिराना और अगर निर्वात कह दे तब भी समझ लेना निर्वात है दोनों को साथ साथ गिरा नहीं समझा अगर क्वेश्चन कह दे कि हवा में हल्का और भारी को गिराते हैं हवा में हल्का और भारी को गिराते हैं तो कह देंगे भारी वाला पहले गिरेगा भारी वाला पहले गिरेगा और अगर क्वेश्चन कहे निर्वात में देखो इसमें बड़ा झोल है चला मामला फंस फस जाएगा ग्रुप डी एक लाख वैकेंसी है गौर से देखना निर्वात में बिहार पुलिस इस बार हो गया चला इस बार वर्दी नहीं चढ़ा इस बार तू ग्रुप डी में नहीं जा पाया तो समझ ले तू जिंदगी में कभी जॉब नहीं कर पाएगा क्योंकि इतनी बड़ी वैकेंसी फिर कभी नहीं आनी इसलिए ध्यान से देखना निर्वात में या क्वेश्चन कुछ ना कहे या प्रश्न कुछ न कहे तो निर्वात मान लेना है यानी प्रश्न अगर हवा का जिक्र ना करे तो अपने मन से हवा बहा के भारी वाले को पहले नहीं गिरा देना है प्रश्न कुछ न कहे तो निर्वात मान लेना है निर्वात मान लेना है और तब दोनों साथ गिरेगा तब दोनों साथ गिरेगा ध्यान दीजिएगा हवा में हल्का और भारी में भारी वाला पहले गिरेगा निर्वात में और प्रश्न कुछ न कहे तो निर्वात मान लेना है उसमें दोनों साथ जैसे कहेगा एक दस किलोग्राम ध्यान से देखना अगर आपको क्वेश्चन कहेगा कि सर दस किलोग्राम की एक वस्तु है बीस किलोग्राम की एक वस्तु है दोनों को एक साथ गिराया जाए कहना हवा का जिक्र नहीं, नहीं किया तो दोनों एक साथ गिरेगा और अगर तुमको क्वेश्चन कह दे कि एक दस किलोग्राम की वस्तु एक बीस किलोग्राम की वस्तु है दोनों को हवा में एक साथ गिराया जाए तो कहना भारी वाला पहले गिरेगा और अगर कह दे निर्वात में या कुछ ना कहे हवा का जिक्र न करे तो दोनों साथ गिरेगा इसको हमने लिख दिया है सर ये बड़ा झोल वाला काम था इसलिए गुरुजी ने इसको अलग से लिख दिया है कहता है गुरु तोरण का मान फेंके जाने वाले वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता केवल ग्रह के द्रव्यमान और ग्रह की त्रिज्या पर निर्भर करता है फिर कहता है महत्वपूर्ण तथ्य है गौर फरमाइएगा अगर दो अलग अलग द्रव्यमान की वस्तु को गिराया जाता है तो दोनों एक साथ गिरेगा देखो हवा का जिक्र नहीं किया हवा का जिक्र नहीं किया इसका मतलब अपने मन से हवा नहीं बहा देना है हवा में सर अगर भारी और हल्का गिराओगे एको चीटी गिरा दो एगो दस किलोवा गिरा दो दस किलोवा पहले गिर जाएगा लेकिन अगर क्वेश्चन में यहां पर कहीं पर हवा का जिक्र नहीं कर रहा है इसका मतलब समझ लो निर्वात है दोनों को एक साथ गिरने दूसरा निर्वात में अलग अलग द्रव्यमान की वस्तु गिराने से दोनों एक साथ गिरेगा चूंकि यहां निर्वात कह दिया है यहां हवा नहीं कहा है इसका मतलब निर्वात मान लेंगे और जब हवा में अलग अलग द्रव्यमान की वस्तु को गिराने पर भारी वाला पहले गिरेगा हवा में सर तुम गिरा दो एक छोटा सा भाई मेरे पेपर ले लो और एक दस किलो का बोझा ले लो और दोनों को गिरा दो दस किलो आप पहले गिरेगा और छोटा सा जो कागज होगा वो बाद में गिरेगा तो जब क्वेश्चन में हवा का जिक्र करे तब सर भारी वाले को पहले गिरा देना और अगर क्वेश्चन में हवा का जिक्र नहीं करे दो अलग अलग द्रव्यमान की वस्तु देखो हवा का जिक्र इसमें नहीं है हवा का जिक्र नहीं है हवा का जिक्र नहीं है तो निर्वात मान लेना है निर्वात मान लेना है अगर हवा का जिक्र नहीं रहे तो निर्वात मान लेना है ध्यान देना कहते हैं अगर 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 द्रव्यमान अलग अलग द्रव्यमान की वस्तु को कहे गिरा दिए तो निर्वात मान लेना अगर हवा की बात नहीं करेगा दोनों एक साथ गिरेगा अगर निर्वात का जिक्र कर दिया तब तो निर्वाते होगा दोनों एक साथ गिरेगा और अगर हवा का जिक्र कर दिया तो भारी वाला पहले गिरेगा हल्का वाला बाद में ठीक है अब ध्यान देना कहते हैं आपको एक क्वेश्चन पूछेगा कि अगर मान लीजिए कि ये कोई ये कोई वस्तु है ध्यान दीजिएगा सर ये कोई वस्तु है इसको हम सर फेंकते हैं मान लीजिए कि ये कोई वस्तु है इसको हम फेंकते हैं अभी ये मेरे हाथ में आ रहा है अगर हम यहां से सर ऐसे इसको फेंकते हैं तो ये मेरे हाथ में आएगा और अगर हम इसको एक समान वेग से जा रहे हैं तो मेरे हाथ में आएगा लेकिन अगर हम इसको फेंकते ही त्वरण में ले आए अपने आप को यानी वेग को बढ़ा दिए थे वस्तु पीछे गिरेगा जैसे मान लो इसको हम फेंक के हम भाग गए वेग को बढ़ा लिए थे पीछे गिर जाएगा नहीं समझे फिर से समझिए सर गौर फरमाइएगा कहते हैं अगर सर पढ़ ले बहुत गंदा स्थिति आने वाला है अगर तेरी जॉब इस बार नहीं लगी तो पढ़ ले समझने की कोशिश कर ऐसा भी नहीं है कि मंत्र जाएगा तू समझ जाएगा कोशिश करनी होगी क्वेश्चंस बनाने होंगे चैप्टर वाइज तब तुमको समझ में आएगा शाम साढ़े सात बजे वाला क्लास करना होगा तब समझ में आएगा अभी हम उसमें बिहार पुलिस और ग्रुप डी को मेनली फोकस कर रहे हैं शाम में साढ़े सात बजे वाला साइंस को लेकिन तुम उसको तो फुर्सत नहीं है पढ़ने की ऐसा जगह भाई मेरे मामला फंसेगा ना कि सात जिंदगी भर तू खुद को माफ नहीं कर पाएगा इसलिए मैं एकदम तुमसे सादर अनुरोध है कि प्र, क्लास प्रॉपरली कीजिए क्वेश्चंस बनाइए जद्दोजहद कीजिए लड़िए क्वेश्चन के साथ तब आपका काम होना है नहीं तो मामला बिगड़ जाएगा मेरे दोस्त मेरे यार तुझे तेरी दोस्ती मेरी दोस्ती का वास्ता है पढ़ ले मामला फंस जाएगा तू नहीं देखा है मैंने बहुतों को रोते हुए देखा है जो लोग हमारे साथ में पढ़ते थे आज वो लोग रो रहे हैं क्योंकि उस टाइम उन्होंने मजा लिया आज उनके पास ऐसी सजा है जिंदगी की जो तू सोच नहीं सकता इसलिए प्यारे मित्रों कोशिश कीजिए खूब मन लगा के पढ़ने का नहीं तो मामला एकदम गड़बड़ हो जाएगा आप सोच भी नहीं सकते किस कदर गड़बड़ होगा अगर मान लो सर ये कोई वस्तु है और हम एक समान वेग से जाएंगे तो ये मेरे हाथ में आएगा ठीक है और अगर हम वेग को बढ़ा देते हैं यानी त्वरण में आते हैं अगर मान लो हम वेग को बढ़ा देते हैं त्वरण में आते हैं तो ये वस्तु पीछे गिरेगी ध्यान दीजिएगा अगर हम इस वस्तु को ऐसे फेंकते हैं एक समान वेग में तो ये हमारे हाथ में आएगा लेकिन जैसे हम इसको फेंक के और हम अपने वेग को बढ़ा लिए तो ये पीछे गिर जाएगा और अगर हम अपने वेग को घटा लिए तो आगे गिर जाएगा अगर एक समान वेग रहा था हाथ में आ जाएगा क्वेश्चन आपको पूछेगा कि बता भाई मेरे कि अगर एक सिक्के को उछाल अगर कोई व्यक्ति ट्रेन में बैठा है और ट्रेन एक समान वेग से चल रही है उसने सिक्का को उछाला तो कहेंगे उसके हाथ में आ जाएगा अगर त्वरण से चल रहा था पीछे चल जाएगा अगर मंदन से आ रहा था आगे गिर जाएगा यही ना होगा कहते हैं गौर फरमाइएगा साढ़े सात बजे शाम से चल शाम सा, में चलता है डेली कोशिश कीजिए अभी से एग्जाम तक सर लाइव होने का भर दिन साइंस नहीं हो पढ़िएगा ना शाम में हम सरिया देंगे लेकिन आपको तो फुर्सत निकालना होगा सर नहीं निकालिएगा तो मामला गड़बड़ाएगा अभी पूरा बच्चा इतना मेहनत कर रहा है कि तू सोच नहीं सकता बाद में थोड़ा पते नहीं चलेगा कि हमारा रिजल्ट काहे नहीं हुआ देखिए सर हमने कहा कि अगर ट्रेन है या आदमी है कोई भी है अगर एक समान वेग से चलेगा अगर, अगर 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 एक समान वेग से चलेगा अगर एक समान वेग से चलेगा अगर एक समान वेग से चलेगा तो हाथ में गिरेगा अगर त्वरण के साथ चला तो पीछे गिर जाएगा क्योंकि वेग बढ़ जाएगा वे अगर मान लो ऐसे हम चल रहे हैं हम इसको फेंक दिया आप अपना वेग बढ़ा लिया थे पीछे गिर जाएगा YouTube पे क्लास कहीं लिए थे कल एक समान वेग होगा तो हाथ में गिरेगा त्वरण होगा तो पीछे गिरेगा और अगर मंदन होगा मंदन होगा यानी वेग घटा लेंगे तो आगे गिरेगा गौर फरमाइएगा अगर हम ट्रेन की बात करें सर तो एक समान वेग होगा तो हाथ में गिरेगा अगर त्वरण के साथ होगा तो पीछे गिरेगा और अगर मंदन की बात करोगे तो आगे गिरेगा अगर ध्यान दीजिएगा सर एक समान वेग होगा तो यह हाथ में गिरेगा और अगर त्वरण होगा तो यह पीछे गिर जाएगा क्योंकि वेग हम बढ़ा लेंगे और अगर मंदन होगा तो आगे गिर जाएगा यही बात सर यहां लिखा हुआ है गौर फरमाइएगा कहते हैं अगर कोई ट्रेन अगर कोई ट्रेन एक समान वेग से गतिशील है और उसमें बैठा व्यक्ति किसी सिक्के को उछालता है देखिए एक समान वेग है तो वह सिक्का उसके हाथों में गिरेगा अगर ट्रेन त्वरण के साथ आगे बढ़ेगा तो सिक्का व्यक्ति के पीछे गिरेगा अगर त्वरण के साथ गया मतलब अगर एक समान वेग गया तो हाथ में गिरेगा अगर जैसे ही त्वरण होगा सर आप इसको ऐसे फेंकिएगा फेंकने के बाद आप ऐसे जाइएगा तो ये पीछे गिर जाए तो गौर फरमाइएगा अगर किसी वस्तु को आप नीचे से इस सब ऐसा पॉइंट है जो क्वेश्चन के रूप में आपको मिलेगा कल रीजनिंग का क्लास नहीं हुआ था रात को हां नहीं हुआ था सर गुरुजी घर चले गए थे लिए नहीं हो पाया था ध्यान दीजिएगा सर साढ़े सात बजे वाला लाइव क्लास कहां चलता तो है? नहीं पता है यूट्यूब एसके झा चैनल हमारा नाम एसके झा एस के झा के नाम से यूट्यूब चैनल है जहां साढ़े सात बजे लाइव चलता है कहते हैं आज से हम बिहार पुलिस वाले बैच में भी नोटिफिकेशन डाल देंगे कहते हैं अगर तो रीजनिंग वाले सर घर चले गए थे इसलिए लाइव नहीं हो पाया था कहते हैं अगर किसी वस्तु को हम नीचे से ऊपर फेंकते हैं तो उच्चतम बिंदु वेग का मान जीरो हो जाता है और थ्रू आउट जो जी होता है सर त्वरण का मान कांस्टेंट रहता है दस मीटर पर सेकंड स्क्वायर ध्यान दीजिएगा अगर 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 हम किसी वस्तु को नीचे से ऊपर फेंकते हैं तो वेग का मान जीरो होता है उच्चतम बिंदु पर वो करता है हम थोड़ा बोले थे कि जब ऊपर से नीचे फेंकेंगे यह अंतिम वेग जीरो होता है यहां प्रारंभिक वेग का मान कुछ होता है और जब ऊपर से नीचे फेंकेंगे तो प्रारंभिक वेग यू का मान जीरो होगा और g का मान वही हो जाएगा 9.8 या 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और भी जो अंतिम वेग होगा वो कुछ होगा अब ध्यान दीजिएगा फिर से समझने की कोशिश कीजिए कहते हैं यू का मान कुछ होगा नीचे से ऊपर फेंकेंगे और भी का मान जीरो हो जाएगा जी का मान दस मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा और जैसे ही ऊपर से नीचे फेंकेंगे यू का मान जीरो होगा जी का मान दस मीटर पर सेकंड स्क्वायर और भी का मान कुछ होगा यानी आपको कहेगा एक वस्तु को नीचे से ऊपर फेंका गया बताओ क्या कांस्टेंट रहेगा तो कहेंगे त्वरण का मान कांस्टेंट रहेगा कहेगा क्या जीरो हो जाएगा तो कहेंगे वेग अंतिम वेग जीरो हो जाएगा और अगर कोई ग्रह पढ़ना सर वो तपस्या है जो कुछ ही लोग समाज के कर पाते हैं तुम उन कुछ में से एक हो अगर हो तो भोजपुरी गाने में जो दिखाया जाता है वो ना देख के सर बोर्ड पे कंसंट्रेट कीजिए दो से तीन महीने में जिंदगी बदल जाएगी नहीं तो तेरे और कुत्ते में कोई फर्क नहीं रह जाएगा लोग कहेंगे वो देखो बड़ी बोलता है कुत्ता है साला और नहीं तो लोग ये कहेंगे कि यह देखो यही लड़का इंडियन रेलवे में आते ही लोग कुर्सियां छोड़ देंगे यही लड़का पुलिस में है पुलिस वाला के तो बातें और है कुर्सी छोड़ो लोग जमीन जगह छोड़ के भाग जाएगा परिवार में अगर एक पुलिस ऑफिसर हो जाए समझ रहा है जितना केस है अपने सॉल्व हो जाता है इसलिए भाई मेरे अगर वर्दी के रंग में रंगना है और अगर तुमको इंडियन रेलवे में जाना है तो अपनी एडी चुटी का जोर लगा और कम से कम दो-तीन क्लास तो रेगुलरली शाम में YouTube पे क्वेश्चन का कर नहीं तो मामला गड़बड़ा जाएगा कहते हैं सर क्या कहते हैं अगर यह सूर्य है और इसके चारों तरफ कोई ग्रह है जो चक्कर लगाता है ध्यान देना अगर ये कोई सूर्य है इसके चारों तरफ कोई ग्रह चक्कर लगाता है तो यहां से चला फिर यहीं पहुंच जाएगा यहां से चला फिर यहीं पहुंच जाएगा यहां से चला फिर यहीं पहुंच जाएगा तब विस्थापन तो जीरो हो जाएगा तो किया गया कार्य जीरो हो जाएगा तो कोई ग्रह अगर सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाता है तो किया गया कार्य कितना होता है जीरो होता है कहता है अगर नीचे से ऊपर फेंकने पर उच्चतम बिंदु पर वेग का मान शून्य होता है तथा गुरुत्वीय तुरंत का मान दस मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है यानी यही कहेगा तुमको क्या कांस्टेंट रहता है कहेंगे तुरंत कांस्टेंट रहता है अगर कोई वस्तु किसी ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाता है चक्कर लगाता है तो किया गया कार्य शून्य होता है क्योंकि विस्थापन शून्य होता है अगर कोई ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है तो किया गया कार्य शून्य होता है क्योंकि विस्थापन शून्य होता है सर कोई ग्रह है और अगर यह सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाएगा तो किया गया कार्य का मन जहां से चला वहीं पहुंच जाएगा किया गया कार्य का मन शून्य होगा क्योंकि विस्थापन शून्य होता है एक बार फिर से मैं आपको रफ करता हूं सारे पॉइंट्स को गौर फरमाने की कोशिश कीजिएगा जनाब जिसका जिसका चला ब्याह करने का मन है दो तीन महीना पढ़ लो पांच छह महीना में ब्याह हो जाएगा एकदम कोई नहीं रोक सकता सत्यम सिंह जी मजबूर कर दिए हैं पापा बिहार पुलिस में जाने के लिए अरे कभी जिसने बड़ा किया उसके सामने बड़ा बनने की कोशिश ना कर मान ले उसकी बात कहते हैं गौर फरमाइएगा अगर हम किसी दो वस्तु दो अलग अलग द्रव्यमान की वस्तु है एक दस के जी का है और एक बीस के जी का है या एक एक के जी एक बीस के जी दोनों को अगर हम गिरा देते हैं तो अगर हवा में गिराएंगे तो भारी वाला पहले गिरेगा भारी पहले गिरेगा और अगर क्वेश्चन में निर्वात रहे या हवा का जिक्र ना करे तो निर्वात मान लेना है हवा का जिक्र ना करे क्वेश्चन तो निर्वात मान लेना है दोनों साथ गिरेगा ठीक है अगर दो अलग अलग द्रव्यमान है हवा का जिक्र करेगा भारी वाला पहले गिरेगा नेक्स्ट वीक से सर केमिस्ट्री स्टार्ट कर देंगे अगर निर्वात में गिराया हवा का जिक्र ना हो तो दोनों एक साथ गिरेगा दूसरा पॉइंट अगर किसी वस्तु को नीचे से ऊपर फेंका जाता है तो क्या कांस्टेंट रहता है ग्रुतिया त्वरण का मान कांस्टेंट रहता है और अंतिम बिंदु पर वेग का मान जीरो हो जाता है यह क्वेश्चन पूछा था ग्रुप डी में जी का मान कितना होता है दस मीटर पर सेकंड स्क्वायर और बिहार पुलिस में ग्रुवियो त्वरण का यूनिट पूछा था दैट इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर चूंकि यह त्वरण है अगर कोई ग्रह सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है तो विस्थापन का मान शून्य होता है इसलिए किया गया कार्य भी शून्य होता है जहां से चला वहीं पहुंच जाएगा किया गया कार्य शून्य होता है ठीक है अब देख लो अब आते हैं सर इस पे, एक सवाल पूछा जाता है जी बराबर जीएम बटार स्क्वायर जो लोग भी सर बिहार पुलिस या ग्रुप डी की तैयारी ऑफलाइन में करना चाहते हैं मात्र दो महीने का एक कोर्स हमने डिजाइन किया है जिसमें अगर आप हमारे कोचिंग सेंटर के आसपास जगह ले लेते हैं रूम ले लेते हैं तो छोटा छोटा बहुत सारा सौ डेढ़ सौ में डेढ़ सौ रुपए पर मंथ में हम लोग टेस्ट भी एक डिजाइन किए हैं जिसमें अभी से ग्रुप डी तक ये सारे टेस्ट चलेंगे और कैसे आप ग्रुप डी या बिहार पुलिस की स्ट्रेटेजी बनाकर अभी भी दो महीने में सब कुछ कर सकते हो उसके लिए हमने बहुत सारे बैचेस दिए हैं ऑफलाइन में ऑफलाइन का सेंटर आप लोगों के दया से सर सपोर्ट से मुशल्लापुर हार्ट के मेन गेट के अपोजिट में हमने खोला है आप लोग सपोर्ट कीजिए ऐसा हम चाहेंगे आज शाम से एडमिशन सारे बैचेस में स्टार्ट होगा आज शाम पांच बजे से एडमिशन स्टार्ट होगा सारे बैचेस में तो हम चाहेंगे सर कि आप लोग जरूर से जरूर पधारें और हमें सेवा का मौका दें हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए जो हमने बैच खास करके ग्रुप डी और बिहार पुलिस के लिए अभी हमने एक बेस्ट बैच डिजाइन किया है कि दो महीने में जो बच्चा कुछ नहीं जान रहा है वो भी अगर शुरू करें तो दो से ढाई महीने में हम उसकी मंजिल तक उसको पहुंचाने की कोशिश करेंगे बैच का उतना फी होगा जितना तुम अपने ग्रुप डी के सैलरी जिंदगी भर जितना कमाएगा उसका चार दिन का सैलरी दे दोगे तो काम हो जाएगा उतना में हम तुम्हारा काम कर देंगे चूंकि सर तीन लाख प्लस में सिर्फ रूम रेंट है जहां हमने रूम लिया हुआ है तब अठारह से उन्नीस स्टाफ अभी तक हम रिक्रूट कर चुके हैं तो कुल मिला के थोड़ा सा खर्च है तो उतना सस्ता तो हम नहीं कर पाएंगे लेकिन फिर भी कोशिश किए कि सबसे ज्यादा सस्ता हमारा ही क्लास हो और हम आप तक पहुंचने की कोशिश करेंगे तो आप आ सकते हैं आज जाऊंगा गुरुजी यस सर आपका स्वागत है आज पांच बजे से एडमिशन स्टार्ट है सारे बैचेस में वेलकम टू द बैच और हम चाहेंगे सर कि आप लोग जरूर हमारे जैसे हमको ऑनलाइन में सपोर्ट किए ऑफलाइन में भी सपोर्ट करें आपका हम सदैव आभारी रहेंगे जैसे हमको किताब में सर आप सपोर्ट किए हैं वैसे ही ऑफलाइन में सपोर्ट करें ताकि हम आपके साथ मिलकर चल सके और हमें पता है कि जिस दिन हम बेईमानी पे उतर जाएंगे तू मेरे से मुंह मोड़ लेगा हम तो वही बात सोचते रहते हैं हमेशा और बेईमानी पे मिठाई भी खिला देंगे सर एकदम जरूर आपका हक बनता है सर तो जिस दिन हम बेईमानी पे उतर जाएंगे तो मेरे से मुंह मोड़ लेगा उस दिन हम मर जाएंगे तो इसलिए हम सोच रहे हैं थोड़ा थोड़ा ही कमाते हैं बहुत ज्यादा नहीं कमाना हाँ लेकिन बैच का फी जो है वो ऑफलाइन में बहुत ज्यादा कम नहीं कर सकते क्योंकि सर ऑफलाइन का पर मंथ का दस लाख रुपया प्रॉक्स का खर्चा है यहाँ तो सर काम चल जाता है हमारा खुद का मकान में अभी आ गए हैं तो रेंट भी बच जाता है भाड़ो नहीं लगाते हैं उतना रेंट बच जाता है बहुत सारी बातें यहाँ स्टाफ भी कम लगता है वहां तो खाली लाइन लगाने के लिए छह से सात गो स्टाफ रखना पड़ता है तो मामला गड़बड़ हो जाता है इसलिए अब ये नहीं कि गाली देना शुरू करना और लोगों से फीस हमारा कम ही होगा कहते हैं जी बराबर जीएम बटार आज जरूर सर विजिट करें सारे प्रकार का टेस्ट स्टार्ट हो रहा है तो आज लगना चाहिए कि किसके जाके बैच में एडमिशन स्टार्ट हो गया है जो लोग पटना में है आपको डेढ़ सौ रुपए पर मंथ में सब टाइप का टेस्ट मिल जाएगा फुल सिलेबस ग्रुप डी भी टेस्ट मिल जाएगा और आने वाले समय में बिहार पुलिस भी मिल जाएगा मैथ का अलग टेस्ट डेली रीजनिंग का डेली टेस्ट साइंस का डेली टेस्ट स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स का डेली टेस्ट ग्रुप डी स्पेशल और बिहार पुलिस स्पेशल और ग्रुप uh, डी का का फुल सिलेबस टेस्ट फिर बैच भी है uh, लग है लगभग हमको लगता पचास रुपया फी है ऑल सब्जेक्ट का जो ऑफलाइन में हम दे रहे डेढ़ सौ रुपये पर मंथ में हम टेस्ट दे रहे हैं तो सर आप जरूर विजिट कीजिए हम चाहेंगे कि आप जलूल से जलूल पधारें और हमें कृतार्थ करें एक बार सर आप लोग का सपोर्ट जितना अभी तक मिला है इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद यही मेरे लिए काफी है। अब तू नहीं हो सपोर्ट करेगा तो गुरु जी एक पे मर जाएंगे लास्ट पर भी रहेंगे ना अब चला पूछेगा अंतिम इच्छा कहेंगे पूरा हो गया अब जरूरत नहीं है कहते हैं गौर फरमाइएगा जनाब कि अगर 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 ये कोई पृथ्वी है और इसका द्रव्यमान m है इसकी त्रिज्या r है तो यहां पर जो गुरुत्वीय त्वरण का मान है वो जी बराबर जीएम स्क्वायर होता है ये आपको हमने कहा एकदम दिमाग में एडजस्ट कर लो जी बराबर जीएम स्क्वायर जी बराबर बटा जीएम स्क्वायर कहां पर पृथ्वी के सतह पर पृथ्वी के सतह पर जी बराबर जीएम स्क्वायर पृथ्वी के सतह पर जी बराबर जीएम स्क्वायर पृथ्वी के सतह पर जी बराबर बटा बटार स्क्वायर पृथ्वी के सतह पर जी बराबर बटा बटार स्क्वायर क्लियर? ये एम क्या है ये ग्रह का द्रव्यमान है ये आर क्या है ये ग्रह की त्रिज्या है अब देखो अगर हम जी बराबर जीएम R स्क्वायर की बात करें सोना हमर हमर लुल्लू हमर अगर हम जी बराबर जीएम R स्क्वायर की बात करें किसकी बात करें सर जी बराबर जीएम R स्क्वायर की तो जी में एगो शॉर्टकट है सर इसके सवाल को बनाने का जी में प्रतिशत बदलाव घोर के पी जाओ सब इतना पढ़ो इतना पढ़ो गुरुबड़ी में भुजिया उड़ा दो जी में प्रतिशत बदलाव का फॉर्मूला होता है आर का घात आर का घात गुना आर में प्रतिशत बदलाव जी में प्रतिशत बदलाव बराबर होता है आर का घात गुना आर में प्रतिशत बदलाव ई क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा और आर का घात दो है ऊपर चल जाएगा माइनस दो हो जाएगा तो माइनस दो गुना आर में प्रतिशत बदलाव तेरी कदर दानिया तेरी मेहरबानिया बुक तो सर आज छपने जा रही है दो दिन और लगेंगे माइनस टू ये क्वेश्चन में फिक्स है क्वेश्चन का फॉर्मूला का है आर का घात फिक्स है दो है ऊपर जाएगा माइनस दो गुना प्रतिशत बदलाव अगर प्लस आया तो कहेंगे वृद्धि हुई और अगर माइनस आया तो कहेंगे कमी हुई और यह फॉर्मूला पांच प्रतिशत से कम के लिए लागू होता है यह फॉर्मूला जो है सर यह पांच प्रतिशत से कम के लिए लागू होता है तुम कह रहे मास्टर इस पर सवाल बना के दिखाओ तब समझे फिर से समझो जी बराबर जी एम बतार होता है जी में प्रतिशत बदलाव कमी और ये फॉर्मुला पांच प्रतिशत से कम के लिए लागू होगा तुम कहेगा पांच प्रतिशत से ज्यादा दे दिया तो क्वेश्चन में की करेंगे सर कुछ नहीं करेंगे देवे नहीं करेगा ठीक है अब ध्यान दे सवाल कैसे पूछेगा इंग्लिश की क्लास भी स्टार्ट होगी सर इंग्लिश की क्लास भी स्टार्ट होगी बराबर बैचेस स्टार्ट होंगे सर जी के मान में प्रतिशत बदलाव बराबर माइनस दो आर का घात हो गया माइनस दो गुना आर में प्रतिशत बदलाव प्लस होगा तो कम ही पांच प्रतिशत से कम के लिए इससे ज्यादा तो के लिए देवे नहीं करेगा अब सवाल देखो कथा अगर किसी ग्रह के द्रव्यमान को अस्थिर रखते हुए इसके ग्रह की त्रिज्या में दो प्रतिशत की वृद्धि मान लो क्वेश्चन तुमको देता है कि अगर किसी ग्रह के द्रव्यमान को अस्थिर रखते हुए द्रव्यमान को अस्थिर रखते हुए अस्थिर रखते हुए ग्रह की त्रिज्या में दो प्रतिशत की वृद्धि कर दी जाए दो प्रतिशत की वृद्धि कर दी जाए तो गुरुतीय त्वरण के मान में प्रतिशत बदलाव गुरुत् त्वरण के मान में प्रतिशत बदलाव क्वेश्चन यह है तुम्हारा कि अगर किसी ग्रह के द्रव्यमान को अस्थिर रखते हुए ग्रह की त्रिज्या में दो प्रतिशत की वृद्धि कर दी जाए तो गुरुत्वीय त्वरण के मान में कितना प्रतिशत का बदलाव होगा यह क्वेश्चन है आपका अगर किसी ग्रह के द्रव्यमान को अस्थिर रखते हुए ग्रह की त्रिज्या में दो प्रतिशत की वृद्धि कर दी जाए तो गुरुत्वीय त्वरण में कितना प्रतिशत का बदलाव होगा अब सर फॉर्मूला दो प्रतिशत की वृद्धि कर रहा है तो जी में प्रतिशत बदलाव दो प्रतिशत की वृद्धि तो माइनस दो तो फार्मूले का है गुना आर में प्रतिशत बदलाव यह फॉर्मूला होता है तो दो प्रतिशत की वृद्धि है तो माइनस दो गुना वृद्धि है तो प्लस दो से गुना करेंगे अगर दो प्रतिशत की कमी रहती तो माइनस दो से फिर यहां गुना करते तो यह हो जाता माइनस चार प्रतिशत माइनस चार प्रतिशत मतलब चार प्रतिशत की कमी हो गई चूंकि माइनस है तो कमी हो जाएगा अब ध्यान कहते हैं अगर किसी ग्रह का द्रव्यमान को अस्थिर रखते हुए ग्रह की त्रिज्या में दो प्रतिशत की वृद्धि कर दी जाए तो गुरुत्वीय त्वरण के मान में कितने प्रतिशत का बदलाव होगा तो प्रतिशत बदलाव बराबर हो जाएगा माइनस दो गुना दो बराबर माइनस चार प्रतिशत चार प्रतिशत की कमी हो जाएगी <laughs> कितने की कमी हो जाएगी सर चार प्रतिशत की कमी हो जाएगी अब ध्यान दीजिएगा सर एकदम वेरी गुड माइनस चार आया ना तो इसलिए चार प्रतिशत की कमी हो जाएगी एक बार हमने जो पढ़ा उसको हम फिर से पढ़ेंगे तब नया टॉपिक है इसके बाद सर जी के मान में प्रतिशत बदलाव ये एक बड़ा टॉपिक है इसको हम लोग अगली कक्षा में मंडे को स्टार्ट करेंगे <laughs> कहते हैं हमने पढ़ा कि अगर कोई ग्रह है इसका द्रव्यमान एम है इसकी त्रिज्या आर है तो इस पर रखा छोटी पर हम बात करें जी एम बट आर स्क होता है जब हम सर शुरू करें ना पढ़ाना तो बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेना है जब लास्ट कर दें कि अब हो गया ये टॉपिक तब सोचना कि हमको आया कि नहीं आया तो द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है तो हम कह सकते हैं कि अगर हवा में गिराएंगे तो भारी वाला पहले गिरेगा क्योंकि हवा में गिराएंगे तो कागज बाद में गिरेगा लोहा पहले गिर जाएगा अगर निर्वात कह दे या कुछ न कहे निर्वात कह दे या कुछ नहीं कहे तो दोनों साथ में गिरा देना ठीक है अगर किसी वस्तु को नीचे से ऊपर फेंके सब ग्रुप डी का क्वेश्चन है सर एनटीपीसी बिहार पुलिस ने पूछा था जी का यूनिट तो त्वरण का मान कांस्टेंट रहता है लगभग 9.8 या 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और अंतिम बिंदु पर वेग का मान जीरो हो जाता है ठीक है और उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि कोई ग्रह है उसके चारों तरफ अगर कोई पिंड चक्कर लगा रहा है तो किया गया कार्य शून्य होगा क्योंकि विस्थापन शून्य है क्योंकि तो जहां से चलता है वहीं पहुंच जाता है तो किया गया कार्य शून्य होगा क्योंकि विस्थापन शून्य होगा उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा जी बराबर जीएम बट स्क् जी में प्रतिशत बदलाव जी में प्रतिशत बदलाव बराबर आर का घात आर का घात माइनस दो गुना आर में प्रतिशत बदलाव तार का घात हो गया माइनस दो गुना आर में प्रतिशत बदलाव जो क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा प्लस आएगा तो वृद्धि आएगा तो कमी और पांच प्रतिशत से कम के लिए लागू होता है तुमको अगर दे दे वृद्धि तो प्लस दो से गुना कर देना कमी तो माइनस तीन दे दे माइनस दो दे दे जितना दे दे उतना से गुना कर देना तो हर तो काम हो जाएगा आईटीआई का टाइम सर बता दिया जाएगा मुन्ना जी ठीक है तो ये आज की कक्षा हम लोग अगले कक्षा में सर यहां से जी के मान में प्रतिशत बदलाव एक बड़ा टॉपिक है यहां से हम लोग शुरू करेंगे जी के मान में प्रतिशत बदलाव छोटी जी के मान में बड़ी जी का मान तो सर कहीं नहीं बदलता छोटी जी का मान अलग अलग जगह पर अलग अलग होता है तो इसके मान में बदलाव के बारे में हम बात करेंगे बड़ी जी तो फिक्स है सिक्स पॉइंट सिक्स सेवन न्यूटन मीटर स्क्वायर बटक के जी ठीक है तो छोटी जी जो बदलता है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे और जुगाड़ है इसका सर बता देंगे तो इसका सर लगभग बयालीस क्वेश्चन एक वर्ड में खत्म हो जाएगा और आप आराम से बना भी दीजिएगा थ्योरी तीन पेज का है लेकिन सर बयालीस क्वेश्चन बनेगा इससे एक वर्ड खाली एकदम आराम से हम बताएंगे सर और क्वेश्चन आपका बन जाएगा लेकिन अगली कक्षा में उस पर सर हम बात करेंगे थैंक यू वेरी मच से क्वेश्चन का लिंक आगे के चैप्टर से है तो ऐसा नहीं कि यही बन जाएगा T बराबर टू पाइंड टेल बाई जी में बनेगा W बराबर एम जी में बनेगा दो टॉपिक उधर है चौदह टॉपिक इधर है तो चौदह अट्ठाईस चौदह या बयालीस आगे जाएंगे तो बात करेंगे थैंक यू वेरी मच लव यू लव यू ऑल आपकी क्लास सर मंडे टू फ्राइडे चलेगी ग्रुप डी और बिहार पुलिस सभी क्लासेस थैंक यू वेरी मच